हदर झूमर दिखाना चाहोगे? चलो झूमर दिखाओ। हाँ डा 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 ढींगा डन्ना ढींगा नक डन्ना ढींगा नक डन्ना। अब देखो कैसा नजर फ्रंट खूबसूरत नजर आ रहा है। मेरे लिए भी मंगवाई है उस्ताद। ये क्या खा रहे हो? बिरयानी। मेरे लिए भी मंगवाई है। ये आपकी प्लेट है? ये मेरी है जी। इसमें बोटियां ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा है तो इसलिए आपके लिए रखी है। नहीं ऐसा ना करो, ये आप खाओ, ये मैं, ये मुझे दे दो ये। चलो मैंने गुजारा कर लेना। और ये दो प्लेटें भी रखी हैं, उनको दे दें मुंशी। उनको दे यार, ये लें भाई। हेलो बिस्मिल्लाह करें। और कहाँ है आपका? वो सुबह तो एक और आया था, वो किधर गया उस्ताद? अंदर बैठा। उन्हें भी बुलाओ, उसने नहीं खाना खाना। वीडियो तू या खाने तू? जो जो खाने से शर्म करता है ना वो भूखा मर जाता है। वो थाल भी आ चुका है ओए। चम्मच फड़ा दो। ये थाल से कौन खाएगा? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बोलो की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज ये फरमाइश किसने की है यार उस्ताद? आपने किया है बिरयानी की फरमाइश? किसने की थी? मैंने की। आपने? अब वाह जी वाह, चलो शुक्र है। ये मिस्त्री और मजदूर जो हैं ये बहुत नाइस बंदे हैं, जो भी चीज़ इन्होंने खानी होती है ना बोल देते हैं ना। तो हमें परेशानी बहुत होती है कि हम क्या बनाएं। कवे को उड़ाओ मौजम अली। वो देखो ये क्या उठा के लाया था? रोटी लाया था। अच्छा चलो ये नहीं तो बाकी मिस्त्री थे पहले जो हमारे यहाँ काम करते थे ना, वो बताते ही नहीं थे। हम पूछते रहते थे कि क्या बनाए क्या बनाए, वो नहीं बताते थे। फिर इसलिए हम कद्दू ही बना देते थे, गर्मियाँ बहुत थी तो ठंडा होता है कद्दू, इसलिए हम वो बना लेते थे। तो ये शुक्र है आज मौसम भी ठीक है। वैसे आज मौसम जो है बिरयानी वाला था, इसलिए अली साहब ने कहा है कि हमें ना बिरयानी खिलाएं। अब कहाँ है यार किसी के पास? वो चमचे दो यार, कोई हाथ से। आप क्यों हाथ से खा रहे हैं? ये सुन्नत है। सुन्नत है तो मेरा। अब मेरी प्लेट कहाँ है? आप हमारे साथ आए। चलो आ जाता है मुंशी, हम फिर खा लेंगे। इधर आप दोनों टेंशन रखो रखो। ये एक दूसरे के ऊपर थी ना जी। तो अगर आपने भी बिरयानी खानी है तो आकर खा सकते हैं। मैंने सुबह भी बताया था कि हम बिरयानी बना रहे हैं, तो टाइम जो है वो आपको दिखाते हैं किस टाइम खा रहे हैं। 1:36 और मैंने सुबह बोला था तकरीबन 9 या 10 बजे, तो इतने टाइम में कोई भी नहीं आया सिर्फ उस्ताद इमरान के अलावा। उस्ताद इमरान आ गए हैं माशाल्लाह खा रहे हैं। कैसी है? अच्छा टेस्ट तो मैंने पूछा नहीं। अच्छी है बहुत। बहुत चेक करता हूँ। चम्मच आ चुका है, प्लेट आ चुकी है, नंबरदार। आप भी खाओ, सारे खाओ, बिरयानी बहुत है। तो आपने रहना हमारे साथ है, जाना कहीं नहीं है, बिरयानी खा लें, बाद में जो हम काम करेंगे आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। किस कुछ प्यारे बहन भाइयों, ये देखें हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी इधर मोंटी रहती है, ये एक साथ हम इतनी ऊपर नहीं जा सकते ना, इसलिए इसको अभी छोड़ दिया है। और ये मोंटी जो है हम मोंटी ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें जो हमारे सरिये बच्चे खड़े थे ना, उनका हमने ये बना दिया है, ये स्टेप बना दिए हैं। अब इनको ऊपर वो टाइलें लगा के ग्राउंडिंग कर देंगे प्लस्तर के साथ। फिर इधर कूलर, पानी, जग, गिलास रख देता है बंदा, और वो भी बना दिया। उधर भी पिलर थे इसलिए उधर भी बना दिया है। और फ्रंट वाली जो दीवार है ये इतनी सी कर दी है, वैसे छोटी सी है। और बाकी के काम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो एंड में जो है इसके ऊपर ग्रिल लगा देंगे, स्टील की ग्रिल लगाएंगे इंशाल्लाह। तो इधर वाली दीवार को काफ़ी ऊंची की है, 4 फिट की कर दी है, वो छोटी रखी है। और ये इससे भी मज़ीद छोटी होगी जब हम ग्रिल लगाएंगे, अभी सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए लगा दी है। तो इस बार ग्रिल लगेगी स्टील की। क्या कहा मैंने? ग्रिल लगेगी स्टील की आगे की तरफ फ्रंट पे। और
बच्चों के लिए अभी सेफ्टी की है। फिर एंड पे जो है इधर लगेगी क्या, ग्रिल स्टील की, क्योंकि कम लोग सुनते हैं फिर बोलते हैं जी आपने ये करना था वो करना था, आपने ये कर दिया आपने वो कर दिया। और ये जो है ना बारिश वाली, बारिश से बचने के लिए सीढ़ी वाली जो जगह है ना, ये दीवार फौरन जो है 4 इंच की होती है, ये फौरन नहीं ऊपर ले जाते हैं क्योंकि वो गिर जाती है, इसलिए इसको बाद में जो है कुछ सूख जाएगी। ये जो अभी न्यू बनाई है, फिर हम इसके ऊपर छत बनाएंगे, मोटी बनाएंगे, और इधर दरवाज़ा भी बाद में लगा लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ऊपर का इधर का काम हो चुका है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह जो है उधर मुखलिस भाई की चार पर्दी जो है वो दे देते हैं, और मुखलिस भाई के यहाँ जो पर्दी देनी है वो भी इसी तरह की देनी है, वो जो बाहर वाली साइड है वो थोड़ी ज़्यादा देंगे, वो सामने वाली जो है वो हम 4.5 फिट कर देंगे, और बाकी आगे वाली जो है वो 4 फिट की रखेंगे। इधर तो हमारे वाली आ गई, तो ये ओके हो जाएगा, पोपट बन जाएगा मुखलिस भाई का घर भी और हमारा भी इंशाल्लाह। और नीचे चल के देखते हैं कि नीचे हमारा क्या काम हो रहा है। बिजली की वायरिंग जो करने वाले आए थे ना वो लगे पड़े हैं, बिजली की वायरिंग कर रहे हैं अभी। ओ वालेकुम सलाम, एक मिनट, कैसे हो? ठीक शुक्र अल्लाह का। तबीयत सी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। आज ही आप देख रहे हैं मुझे असलम खान वालों के चैनल से, मैं आया हूँ इधर, पहले पापा आए थे अब मैं आया हूँ। हाँ जी, पापा आपके कहाँ गए? पापा घर चले गए। घर चले गए हैं? हाँ जी। चलो माशाल्लाह, तो हमाद साहब आए हैं इधर चक्कर टुक्कर लगाने, तो ये देखें ये बोर्ड और पैप लाइन और ये बिजली की सारी वायरिंग सेटअप ओके हो चुका है, और इधर अभी बना रहे हैं। ये वायरिंग कब करनी है उस्ताद जी? महीना। ये पैप की? पैप की और बस कोई घंटा। अच्छा अच्छा, हाँ बाकी तो प्लास्टर के बाद ही होगी, और तार भी अभी डालेंगे के बाद में? नहीं नहीं, तार बाद में डालेंगे, सब बेल की तार में डालेंगे। अगर कोई पैप बैठ गया तो? ये नहीं बैठते। नहीं बैठते है? चलो जी सही है। और इधर जो है इधर भी वो अजीबा पैप लगाने स्टार्ट कर दिया, इनको तो केल लगाने की भी जरूरत नहीं है उस्ताद, इन्होंने फिटिंग ही ऐसी की है। उस्ताद फियाज आ जाएं जरा, इन्होंने कचरा फसाया है वो देख, कचरा फसाया हुआ, तो ये फिर निकल जाएगा। वो तुम कह रहे हो सही, वो केल सोने की लोड़ ही कोई नहीं है, कचरा बगैर जो मिस्त्री छाप मारदा ना एक पैसे दूसरा पासा पैप दा उठ जांदा तां निकल जांदा, वो बाहर आ जांदा, ये गल है। नहीं इदां पैप ते खलोई जाना विच सच्ची माई खलोई जाना, पैप खड़ा हो जाना, पोलर आ जांदा, अगर किल ला देंगे या हुक्का ला देंगे ये मजबूत हो जाए। केल मंगवा रहे हैं वो लगा दें, क्योंकि वो हुक्के महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ना प्लास्टर तक इसको रोक के रखना है ना। हाँ। बाद में तो कोई मसला नहीं है, बाद में कोई मसला नहीं। सही, बाद में तो पूछा है ना। वो क्या लगा दिया है वो बीच में, वो क्या है चिट्टे रंग वाला है? बल्ब के लिए है? अच्छा, तो ये अपने सामान शमान लेकर आए हैं, इनकी फिटिंग आज चेक करते हैं ये कैसे करते हैं, मैंने आज तक बिजली की फिटिंग देखी ही नहीं है। बाकी देखी है वो जो छत सीलिंग करते हैं ना वो देखी है, ऐसे तारें खिलरी खड़ी होती हैं सारी, तो ये अंडरग्राउंड जो है ना ये मैंने पहले कभी नहीं देखी। और उधर जो है वो चला गया है ओ बेडरूम बेड के लिए वो है, और इधर पता नहीं, हाँ एसी वगैरह के लिए लगा रहे हैं, और बल्ब के लिए, और ये बोर्ड इधर, और ये सारा कुछ। दीवार ये कमज़ोर तो नहीं हो गई? नहीं, कुछ नहीं होता। ये ईंट बाहर निकल आई है, वापस कर दे। अच्छा, तो माशाल्लाह ये काम हो रहा है। और आप क्या कर रहे हैं उस्ताद?
उधर ही अच्छा ये मिट्टी जो है ना आपने इधर डाल देनी है ठीक है, फिर इधर हमने वो बनानी है। चल भाई चल चल आ जाओ उस्ताद जी आ जाओ उस्ताद जी। और इधर भी लगा दिए हैं ये देखें, ये छरी लगाई है इधर से पैंप लगा के नीचे जाके इनके साथ ज्वाइंट करेंगे। ये जो ऊपर खड़ा है ना इसके साथ वो नीचे एल्बो लगी हुई है, इधर से ज्वाइंट करके नीचे से ले जाएंगे पैप, उधर ज्वाइंट करेंगे उस पिलर के साथ, फिर उधर से तार लेकर सीधे जाएंगे अंदर तो उधर बिजली का कनेक्शन जो है हमारा इधर नू आ जाएगा। पैप लाजमी लगाएंगे और पैप का जो जोड़ होता है वो भी लाजमी लगाएंगे ताकि शॉर्ट ना हो जाए। तो कैसा रहेगा फिर हमारा सिस्टम। और इधर से आप देखिए करंट कैसे नज़र आ रहा है, मैं इधर चल के ना आपको दिखाता हूँ, इधर खड़े होगा ये देखें, अब देखें कैसा नज़र आ रहा है करंट खूबसूरत नज़र आ रहा है। चलो मैं भी देख लेता हूँ, आप तो देखते ही हैं। हाँ खूबसूरत नज़र आ रहा है बेहतरीन। लोकेशन देख लो मेरी मेरे घर की सॉरी। ये कैसा स्टेप बनाया है छोटा सा, इधर फिर उधर, बहुत कम है, ये टूट भी गया है, सही नहीं बनाया मेरे ख्याल। ये देखें ईंटे बोलते हैं ना, ये दो नंबर नज़र आ रही हैं, ये देख लो ईंटें दो नंबर हैं। मैं आपको ना खड़का के दिखाता हूँ, जब ईंटें खड़काएंगे ना फिर पता चल जाना है कि ईंट एक नंबर है या दो नंबर है। खुदा के बंदे ये मैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत घर बना रहा हूँ तो दो नंबर ईंटें लगाऊंगा, जब मैंने ये सरिया भी ये दो नंबर नहीं लगाया है और सीमेंट भी मैपल का लगाया है। ये देखो ये देखो ये सीमेंट है मैपल मैपल, वो देखो सामने बोरा पड़ा है मैपल, वो सामने बोरे पड़े हैं मैपल, और लक्की लगाई थी मुखलिस भाई ने, मुखलिस भाई ने सीमेंट लगाया था लक्की, हमने लगाया है मैपल। छत में भी मैपल मैंने लगाया है और सरिया भी कराची वाला लगाया है, ये वाला ये नरम होता है ना, जिस तरफ मरोड़ो मरोड़ जाता है टूटता नहीं है। और क्या ईंटें मैंने दो नंबर लगा ली, अभी मैं चेक कराता हूँ आपको, चेक कराता हूँ। अली भाई देखने वाले बोलते हैं कि आप दो नंबर ईंट लगा रहे हैं तो आप वो खटका के चेक कराएंगे। जी सर आप बाहर आ जाएं, ठीक है हम इधर ईंटें पड़ी नहीं हुई। हाँ इधर से खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी मैं आपको ईंटें चेक करवा देता हूँ। हाँ जी जी अगर ईंटें दो नंबर हुई तो अभी इसी वक्त हम वापस कर देंगे। अभी जो है हम आपको ईंटें चेक करवाते हैं, अली भाई जा रहे हैं आगे, ये आपको ईंटें चेक कराएंगे। ईंटें चेक कराओ भाई एक नंबर है या दो नंबर है। हाँ ये आवाज़ से भी पता चलता है कि ईंट एक नंबर है। चलो इनको सेट दो और कोई उठा लो। हाँ टूटती भी नहीं है ये कोयले की पकी हुई है जी, और एक नंबर ईंट है ये बिल्कुल एक नंबर ईंट है सारी। ये देखिए हाँ ये चेक करें बड़ी बेहतरीन। ये इसमें है ना वो होता है ये एक मशीन से बनाई जाती है एक हाथ से बनाई जाती है तो ये मिक्स हैं, तो ये जो हाथ में अली भाई के ये मशीन वाली हैं, ये उठाओ ये हाथ वाली है, ये साथ में भी हाथ वाली है।
दोनों हाथ वाली। हाँ ये खड़काओ। हाँ चेक, ऐसे खड़कती है ना टिल्ली की तरह, और जो कच्ची होती है ना, एक मिनट कच्ची भी आपको चेक कराते हैं। आ जा अली भाई, आ जाए। ये जो हमने बाद में मंगाई थी ना कुएं में डालने के लिए, ये कच्ची ईंटें थी। इनमें से कोई खड़काओ। हाँ ये टूट नहीं, ऐसा खड़काओ, इसकी आवाज़ सिर्फ सुनते हैं कि कैसी है, कच्ची है। हाँ इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी कम है। हाँ ये और ज़्यादा थोड़ा सा मारेंगे ना ये टूट जाएंगे जी। तो लोगों को पता चलता नहीं है, फिर बोलते हैं जी ये कच्ची से लगाई है, ये है वो है। जब हमने इतने बड़े बड़े खर्चे किए हैं, ये देखें गेट ऊपर डिजाइन, तो हमने कच्ची ईंटों का डाल दिया क्या। ओए वो ये कौन है, कहाँ जा रहे हो, इधर मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, हैं सही बताओ, जबान ना निकालो, सही बताओ कहाँ जा रहे हो। खाला के घर साथ में कौन है, हैं साथ है बीबी, और कौन है साथ, काका। आज आप मुझे बताना चाहोगे ये आपका नाम क्या है। अच्छा आपको किसने बनाया, नहीं अली, आपको किसने बनाया, हैं अल्लाह ने। अच्छा अच्छा मुझे बताओ आप ए, आप ए, आप किसके उम्मती हो, नबी पाक के। अच्छा ये कौन है, वो कौन आ गया है, हैं कौन आ गया, ढोला। ढोला कहाँ जा रहे हो, हैं उधर, ये इस्लामुद्दीन क्या ले आया है, पेट्रोल और केले ले आयो, केल दिखाओ। हाँ ये केल ले आया है, वायरिंग में जो कर रहे हैं ना पैप उनको रोक के लिए। ये पेट्रोल है, वो उस मोटरसाइकिल में डालनी है, अभी इधर रख दो, वो उधर टेबल पे रख दो, उनका जो टेबल रखा है। नहीं यार ये पेट्रोल है, पीने वाली बोतल हम मंगवा लेते हैं यार, यही पी लेंगे, ये पी लोगे। अभी ईंटे चढ़ानी है कि नहीं अली भाई, जी जी ईंटे चढ़ानी है ऊपर, एक घर रखा भाई हमारे साथ, कुछ भाग आप दोनों पर रखी, भाग दोनों पर रखी है, वो आ गया मुंशी उसको दे दो, हमारे साथ मुंशी ये मोटरसाइकिल में डाल दो, उस मोटरसाइकिल जो ले गया था उसमें डलवाया है, कितने का, इतना ज्यादा तेल, ये तो वो तो बहुत कम डलवाया उसने, 50 रुपए का लिया, कितना है ये, 50 रुपए का, 500 का है, 50 रुपए का, कितना बढ़ गया है, 40 रुपए, 40 रुपए और बढ़ गया पेट्रोल, और तेरी 300 क्या है, 300 क्या रेट है, और मेरे ख्याल 340 रुपए, कोई बात नहीं, 400 रुपए भी हो जाए कोई मसला नहीं, साइकिल ले लेंगे, चलो ए, हमने साइकिल नहीं, चलो अब जाओ सारे। हैदर आप किधर जाना चाहोगे, हैदर झूमर दिखाना चाहोगे, चलो झूमर दिखाओ। हाँ डा 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 ढिंगा डन्ना ढिंगा नक डन्ना ढिंगा नक डन्ना ढिंगा नक डन्ना ढिंगा नक, चलो बीबी के साथ जाओ, बीबी के साथ चलो 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 चलो। अच्छा अली भाई ने ईंटें चढ़ानी है ऊपर, वो उधर से, इधर से चढ़ानी है ना, इधर से भी और उधर से भी, उधर तो मुश्किल है, क्यों, क्योंकि उन्होंने आगे चार पाइयां वगैरह डाल रखी हैं और मुश्किल है यार, इधर से उठानी है ना सारी, फिर इधर से लाओ, इधर से उठा लो, क्या कह रहे हैं कि ऊपर लगी हुई है टैल। हाँ ठीक है, एक जगह पे हम रखेंगे और सारा वजन एक जगह पे है और नीचे से नुकसान भी ना हो, जिस तरह आपकी मर्जी है, जो नुकसान करवाना है तो हमने इधर से सारी रख देंगे, कोई बात नहीं, चले कोई नहीं, हम कोई जुगाड़ लगाते, असल में ना वो खाने पकाने का टाइम है इस टाइम, ये देखे ना 5 बज गए, अब खाने पकाने का टाइम है, आज नहीं खाए हम तो, कहाँ से खाएंगे,
नहीं आपने नहीं खाना, वो अपने घर के लिए बनाएंगे ना भाई। नहीं आज वो भी छुट्टी कर लेना, डाइटिंग पे जाएंगे वो भी। तो करो ना जी। कितनी देर लगाएंगे? तकरीबन उधर से आधा घंटा या पौना घंटा बस। चले मैं उनसे बोलता हूँ, वो चार पहिया साइड पे कर देते हैं, फिर आपने शुरू कर देना है। वैसे पैसे तो बोले नहीं है। उस्ताद तो बहुत ज्यादा ही बता रहा है, जितना जायज है ना वो बताओ। उधर से हमने लेके नहीं है सफर, ठीक है। चलें प्यारे बहन भाइयों, बहस चलती रहेगी, इनसे मुआहदा कर लेते हैं कि कितने में ये हमारी ईंटें जो है ऊपर डालेंगे। कल जो हमने दीवार दिलवानी है मुखलिस भाई की, उसके लिए तो बाद में आपसे मिलते हैं।